वेल दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा पूरे 15,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजेदार की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो मुझे 15,000 का जो लोन ऑफर बताया जा रहा है, बस मुझे पेन का आधार कार्ड से KYC कम्प्लीट करने पर, यानी कि दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते टाइम बस अपने पेन का आधार कार्ड डिटेल्स दिया और यहाँ से अपना KYC कम्प्लीट किया हूँ और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि हम इस लोन एप्लीकेशन का पूरे 15,000 का लोन एलिजिबल है। तो दोस्तों, अगर आपका मिनिमम एज 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पेन का आधार कार्ड है और आप पेन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है, और जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है फुल नेम, दोस्तों यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर कर देना, जो आपके पेन कार्ड में होगा सेम वही फुल नेम इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे देखने को मिल जाता है इंटर रेफर कोड, तो दोस्तों ये ऑप्शन इसको आपको छोड़ देना है। फिर नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उसी मोबाइल पर इस लोन एप्लीकेशन द्वारा एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से अपने यहाँ से नाम इंटर करके, मोबाइल नंबर इंटर करके हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस, तो जैसे वहां से अपना OTP इंटर करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वह इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है जेंडर, तो जेंडर में मेल हो या फीमेल हो आप जो भी हो वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है इंटर करेंट एड्रेस पिन कोड, यानी कि दोस्तों अभी आप करेंट में जहां पर भी रहते हो वहां का पिन को इंटर करके नीचे कंटिन्यू का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको फिर से कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंप्लॉयमेंट टाइप, तो आप इंप्लॉयमेंट टाइप में आप हो क्या, सैलरी पर्सन या CNP, अगर आप एक स्टूडेंट हो आप जो भी हो वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अपना डिटेल्स इंटर कर देना है कि आप इंप्लॉयमेंट टाइप आप किस टाइप का जॉब करते हो वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका जो सैलरी आता है वो बैंक में मिलता है, चेक मिलता है, कैश मिलता है, जिस भी प्रकार से आपका सैलरी मिलता है वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने मिल जाता है इंटर पेन नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे पेन का नंबर इंटर करके नीचे अपने देखने मिल जाएगा इंटर मंथली इनकम, यानी दोस्तों आप महीना में कितना कमा लेते हो वह इंटर करके नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने मिलेगा, तो यहाँ से आपको फिर से कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लो दोस्तों, जस्ट सेकंड में ही आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे केस में बताया जा रहा है कि हम इस लोन एप्लीकेशन का पूरे 15,000 का लोन एलिजिबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ से मिनिमम 1,000 से लेकर पूरे 15,000 तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। और यह जो 15,000 का लोन है यह मुझे 4 मंथ के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, और नीचे मेरे आपको लोन का डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस लोन एप्लीकेशन का 15,000 का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज जो बनेगा 901 रुपया बन जाएगा, GST जो चार्ज यहाँ पे बनेगा 161 रुपया का बन जाएगा, मेरे अकाउंट में जो इस लोन एप्लीकेशन द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा 13,938 रुपया, जिसमें दोस्तों इनका प्रोसेसिंग चार्ज प्लस GST जो चार्ज बनेगा वो पहले ही काट लेंगे। और यह जो 15,000 का लोन है यह मुझे 4 मंथ के लिए दिया जा रहा है, तो मेरा जो पर मंथ EMI हो जाएगा 39,86 रुपये का हो जाएगा, और 4 महीना में मुझे इनको टोटल रिपेमेंट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15,944 रुपया। तो दोस्तों अपने लोन का सभी डिटेल्स देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं इस लोन ले सकते हैं तो नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाए जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर क्यू कैश, तो यहाँ सबको अप्लाई फॉर क्यू कैश वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ सब अप्लाई फॉर क्यू कैश वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर ऊपर देखने को मिल जाता है एड बैंक अकाउंट, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है कि आप कौन से अकाउंट में अपना येलो मार्ट लेना चाहते हो, तो अपना अकाउंट डिटेल्स आप इंटर कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो दोस्तों अपने बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, यानी दोस्तों कन्फर्म, यानी दोस्तों आप जो भी इंटर करोगे सेम वही बैंक अकाउंट नंबर फिर से आपको नीचे इंटर करके अपने बैंक अकाउंट का IFC को इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देना है। और जैसे वहाँ से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टेक सेल्फी, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन का एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा,
जाएगा सेल्फी क्लिक करके, तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है टेक माई सेल्फी। तो यहाँ से आपको टेक माई सेल्फी वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, और जैसे ही यहाँ से आप टेक माई सेल्फी वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे आपके मोबाइल के यहाँ से फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का अपना एक सेल्फी क्लिक करके यहाँ से अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। जैसे वहाँ से अपना सेल्फी अपलोड कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है फादर नेम। दोस्तों यहाँ अपने फादर का फुल नेम इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है मदर नेम, तो यहाँ अपने माता जी का फुल नेम इंटर कर लेना है। फिर नीचे देखने को मिल जाता है मैरिटल स्टेटस, यानी दोस्तों अगर आप मैरिड हो या तो आप शादीशुदा हो तो यहाँ से आप यस वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ से शादी नहीं हुआ तो यहाँ से आप नो वाले ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। फिर नीचे देखने को मिल जाता है करेंट एड्रेस, तो दोस्तों अभी आप करेंट में जहाँ पर भी रहते हो वहाँ का एड्रेस इंटर कर लीजिएगा। फिर आपने करेंट पिन कोड जो भी इंटर किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है वर्ड डिटेल्स, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको ना वर्ड डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर यह सर्च कर लेना है कि आप जो जॉब करते हो किस टाइप का जॉब करते हो। जैसे आप इस सर्चिंग वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे तो अपनी कंपनी का नाम इंटर कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी वगैरह में आप जॉब, या अगर आपके कंपनी का पे नाम नहीं आता तो यहाँ से आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों ऑफिस का एड्रेस इंटर कर लीजिए, या मान लेते हैं कि आप कहीं दुकान है वहाँ का भी आप एड्रेस इंटर कर सकते हो। फिर दोस्तों पिन को इंटर करके स्टैंडमेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ था कंटिन्यू, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ गया। तो यहाँ पर आप देख लो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा सेटअप ऑटो पे, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सेटअप ऑटो पे आप क्या चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग करना चाहते हो, डेबिट कार्ड करना चाहते हो, आपके पास जो भी चीज का सुविधा होगा वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहां से अपने कार्ड का नंबर इंटर करके सीबीयू नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों एक्सपायरिंग डेट नंबर इंटर करके जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपका सेटअप ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे वहां से सेटअप ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा फिर दोस्तों आपके मोबाइल पर इस नो एप्लीकेशन का एक ओटीपी आएगा डिजिट का, तो ओटीपी इंटर करके जैसे वहां से आप कंफर्म वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप जो भी अकाउंट डिटेल्स नो एप्लीकेशन के अंदर दिए हो उसी अकाउंट में सक्सेसफुली नो एप्लीकेशन के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है, और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाइए हमारे दिए हुए लिंक से आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर लीजिएगा। वेल दोस्तों, और मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते लोन अप्लाई करने और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपका ऐसा लोन रिजेक्ट हो जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना चाहते हो और आपको पैसों को ज्यादा इमरजेंसी आ गई है, और वैसे में अगर आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया लेकिन अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन लोन नहीं दिया रहा है, आपका बार बार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया रहा था, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैन का आधार कार्ड है और आप पैन का आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करके अगर आप लोन लेना चाहते हो, लोन में अगर बात कर ले तो अगर आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम अगर आपको 1,00,000 का लोन लेना है तो मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो एप्लीकेशन लिंक देखने को मिल जाएगा जहां से मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1,00,000 तक लोन अमाउंट ले सकते हो। तो अगर आपको सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना, आपको कहीं से लोन अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, तो आप पूर्ण फ्यूचर लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर वेट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना का। जो वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद।